कब हुआ है, वाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डीवाईपीडीएक्स निकालना है, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन निकालने, लेकिन उस तरीके से बनाने में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे लेट एक्स बराबर टेन थीटा। आगे इसको चेंज करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स। अब वाई बराबर साइन इनवर्स टू टेन थीटा बटा में वन प्लस, फिर एक्स के लिए कर देंगे टेन टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन टू साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला है ये, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा। साइन से साइन कट गया बचा टू थीटा, वाई बराबर टू, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डीवाई बाई डी एक्स टू साइड में डी टेन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर टू बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब 10 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x की 1 माइनस 3, तो इसमें भी मान लेंगे x बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर जो होगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस x के जगह पर tan भर रहे हैं tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स, ये जो दिया हुआ है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, यहां लिख देंगे tan 3 थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan और tan इनवर्स कट गया तो 3 थीटा, 3 थीटा का मान tan इनवर्स x। अब अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, dy बटा dx 3 साइड में d tan इनवर्स x बटा में dx, dy बटा में dx बराबर 3 गुणे 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर 3 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। अब 11 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में लगभग x बराबर tan थीटा मानना है, लेट ये क्लू है, मंत्र है x बराबर tan थीटा मानना, फिर इसको अलग लिखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x का मान tan है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला है चूंकि सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का सूत्र है, इसलिए y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos ले cos इनवर्स कैंसिल 2, थीटा बच रहा है तो थीटा का मान tan इनवर्स x, फिर अवकलन कर देंगे डिवाइड बाय dx टू साइड में d tan इनवर्स x बटा में dx 2 इनटू 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, आंसर 2 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, ये आंसर हुआ। अब इसका अगला सवाल 12 में फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, जाओ इसका भी एंगल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी उसी तरह से सोल्यूशन करेंगे, x बराबर tan मानेंगे, लेट x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, इसलिए y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस x का मान tan है तो tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र cos 2 थीटा होता है, तो लिख लेंगे sin इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहां तो कट नहीं रहा है तो आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin इनवर्स sin pi / 2 - 2 थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, इसलिए ऐसे लिख लेंगे sin से sin कैंसिल तो y बराबर pi / 2 - 2 थीटा, तो y बराबर pi / 2 - 2 थीटा का मान tan इनवर्स x। अवकलन dy / dx d pi / 2 / dx - 2 साइड में
डी टेन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स ये जीरो हो गया, माइनस टू को वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन का होता है, तो आंसर माइनस टू बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगला 13 सवाल भी इसी तरह का है, लेट करेंगे y बराबर टेन लेट x बराबर टेन थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स टू टेन थीटा बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है टू टेन थीटा अब बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन टू थीटा, तो इसलिए y बराबर cos इनवर्स साइन टू थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन टू थीटा को पाई बाई टू माइनस टू थीटा, cos पाई बाई टू माइनस टू थीटा बराबर साइन टू cos ले cos इनवर्स कैंसिल, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा y बराबर पाई बाई टू माइनस टू थीटा का मान जो है tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x अवकलन dy बाई डी एक्स डी पाई बाई टू बटा में डी एक्स माइनस टू साइड में डी टेन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई पाई बाई टू हमको गैस का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस टू गुने वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का ये होता है डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर जो आया माइनस टू बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। 14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 पहले यानी कि अचर अंक पहले हो और बाद में x हो, ऐसे क्वेश्चंस को साइन या कॉस मान के बनाते हैं, लिट करेंगे x बराबर साइन थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर जो होगा साइन इनवर्स x, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x का मान साइन थीटा फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, डबल है तो एक बाहर निकलेगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये सूत्र है, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा, तो y बराबर आगे लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल तो बचा 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा का जो मान है sin इनवर्स x, अवकलन करते हैं तो अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy by dx टू साइड में d sin इनवर्स x बटा में dx, तो 2 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला 1 बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2 बटा में 1 माइनस x स्क्वायर ये आंसर होगा। अब एक्सरसाइज 5.3 का अंतिम सवाल है y बराबर 6 इनवर्स 1 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें लेट करेंगे x बराबर cos थीटा, ठीक है तो आगे थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, इसलिए y बराबर sec इनवर्स 1 बटा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र है क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है sin 2 थीटा का सूत्र है cos 2 थीटा का, तो इसलिए आगे हम लिख सकते हैं y बराबर sec इनवर्स 1 बटा में 1 बटा में cos 2 थीटा, तो y बराबर sec इनवर्स 1 बटा cos जो होता है sec होता है तो sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल तो बचा 2 थीटा, तो y बराबर 2 और थीटा का जो मान है cos इनवर्स x, अवकलन कर देंगे तो dy by dx टू साइड में d cos इनवर्स x बटा में dx, तो dy by dx 2 गुने cos इनवर्स का फॉर्मूला माइनस 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, इसलिए dy by dx जो होगा माइनस 2 बटा में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 खत्म हुआ, ठीक है।